अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज़रा का जायका। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन चिल्ली की रेसिपी। आइए दिखाते हैं। देखिए, हमने ये छोटे छोटे पीसेस में चिकन को काट लिया है। ये हमारा 500 ग्राम चिकन है और इसमें मैरिनेट करने के लिए हमने लिया 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और हमारा 1 चम्मच नमक है और ये हमारी काली मिर्च पाउडर है। हमने 1 चुटकी सोडा लिया है जिसको डालने से हमारा चिकन अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बनेगा और जूसी बनेगा। तो हम इसको ऐड करते हैं इसमें और इसको मैरिनेट करते हैं। अच्छे से मैरिनेट करके हमें रखना नहीं, बस अच्छे से मिला लेना है और इसको फ्राई कर देना है। इसको हम मिला लेते हैं और इसमें थोड़ा कलर भी डाल देते हैं तो ये अच्छा लगेगा। इसमें हम 3-4 चुटकी कलर डालते हैं, फूड कलर, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड, इसको हमने अच्छे से कोट कर लिया है। आपने जो हमने पाउडर डाला था, हमने कॉर्नफ्लावर और मैदा और जितने भी सामान डाले थे, और बहुत हल्का हमने डाला है। देखिए, ये बिल्कुल हल्का है, दिख रहा है बिल्कुल चिकन। तो इसी तरीके का हमें मैरिनेट करना है। ज़्यादा हमें मैदा कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल मोटा परत हो जाएगा। जब हम इसे सॉस में डालेंगे तलने के बाद तो ये पकौड़े की तरह हो जाएगा और इसका जो परत है, लेयर, वो उतर जाएगी। और जब हल्का रहेगा तो ये सॉस को भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और अच्छा टेस्ट देगा। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। थोड़े थोड़े डाल के सबको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने चिकन को फ्राई कर लिया है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं। अब हम तैयार करते हैं सॉस। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जिंजर, सॉरी वो जिंजर गार्लिक था तो हमें ये है जिंजर। तो हम 1 चम्मच जिंजर और 1 चम्मच गार्लिक डालेंगे और ये 3-4 हरी मिर्ची है, इसको भी हम डालते हैं और थोड़ा इसको सौते कर लेते हैं अच्छे से और फ्लेवर इसका आ जाए ब्राउन। तो हमारा ये जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्ची लाइट ब्राउन हो गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे ये कश्मीरी मिर्च पाउडर जिसको हमने पानी में मिला के घोल बना लिया। आप चाहे तो साबुत भी लेके उसको भिंगा के पीस भी सकते हैं, अब इस तरह का पेस्ट भी बना के यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता, तीखा होता ही नहीं ज़्यादा। तो इसको हम डालते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा मिला लेते हैं। थोड़ी देर इसको इसमें पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं प्याज और शिमला मिर्च। हमारा कश्मीरी मिर्च अच्छे से हमने सॉटे कर लिया है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे और शिमला मिर्च भी डालेंगे और इसको सॉटे कर लेंगे अच्छे से। थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। इसमें डालते हैं 1 चम्मच तकरीबन सोया सॉस, इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। और डालेंगे हम टमाटो सॉस 4 बड़े चम्मच। ग्लास से देखें तो मैंने 1 ग्लास डाल दिया है। तो भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। डालेंगे 1/2 चम्मच विनेगर। विनेगर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। इसको हम किनारे रखते हैं और साथ में हम चिकन को भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने डालना है 2 चम्मच लगभग कॉर्नफ्लावर और उसको अच्छे से हमने देखिए घोल बना लिया है पतला, इसको हम डालेंगे। और मिक्स करेंगे। अगर आपको ड्राई खाना है तो आप इसी तरीके का रखें। हमें इसे चपाती से खाना है तो थोड़ा हम इसको पतला कर देंगे। हम मिला लेते हैं, थोड़ी देर पकाते हैं।
थोड़ा सॉल्ट भी ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर सॉस में भी सॉल्ट होता है। तो हमने आधी चम्मच सॉल्ट लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा इसमें पानी भी हम डालेंगे, हाफ कटोरी, जो हमें थोड़ा पतला रखना है। इसको अच्छे से चला लेते हैं, बस 2 मिनट में बिल्कुल रेडी। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी चिकन चिल्ली बन गई है और इसको हम टेस्ट करते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत ही अच्छा, तीखा और खट्टा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और चपाती से खाने के लिए हमने बनाया है तो काफ़ी अच्छा ग्रेवी भी इसका टेस्ट दे रहा है हमें। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से बनाएं और अपनी चिकन चिल्ली बनाएं और हमें कमेंट में बताएं कि कैसी बनी है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करेंगे तभी ना हमको पता चलेगा कि आप भाई हमारे कितने चाहने वाले हो गए हैं। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।